अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी बीजेपी को रास नहीं आ रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जिस तरीके से एकजुट होकर अब सभा को मजबूत करने की कोशिश में जुट गए हैं और कर भी रहे हैं, वो चीज़ धरातल पर दिखाई भी दे रही है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं वो चीज़ खटक रही है। और इसीलिए बीजेपी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों के विरोध में सड़क पर उतर आई दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने यूपी में विरोध दर्ज किया और ये विरोध सीधे तौर पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के विरोध में था। देखिए, अभी इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भूपेंद्र चौधरी, जो कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी के कद्दावर नेता बताए जाते हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है इसी विरोध के समय में। उन्होंने कहा है कि चाचा भतीजे में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा रहेगी और हमेशा अंतर विरोध रहेगा। ये बात भूपेंद्र चौधरी ने बोली है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पर बोलते हुए उन्होंने काफी बातें कही हैं जो काफी चौंकाने वाली बातें हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि शिवपाल यादव को अब तक सभा में जिम्मेदारी न मिलने पर अभी तक तो देखिए सारी चीजें साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि सपा पारिवारिक संगठन है, हमारे जैसा लोकतंत्र तो है नहीं कि किसी से बातचीत करके निर्णय करने हैं, उन्हें तो अपने आप से व्यक्तिगत निर्णय करने हैं। शिवपाल सपा में है ही, कभी उससे अलग हुए ही नहीं, इस बात को बोलते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र चौधरी। तो देखिए, सीधे तौर पर भूपेंद्र चौधरी ने यह दिखा दिया है, जता दिया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव दोनों के एकजुट होने से खफा है, और खासकर शिवपाल यादव से खफा है क्योंकि शिवपाल यादव को अपने खेमे में करने की कोशिशें भरपूर की गई, वो भी बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम नहीं आई। और अब हो ये रहा है कि शिवपाल यादव अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, बयानी वार कर रहे हैं, उससे बीजेपी तिलमिलाई हुई है और सड़क पर विरोध करने के लिए उतर आई है।